हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं, जिसे सुनकर आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। दोस्तों, मैं केदारनाथ के आज आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं कि चार धाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा कब से शुरू होने जा रही है। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो पूरा देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जल्दी ही केदारनाथ यात्रा और चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में कोरोना के कारण इस साल अभी तक चार धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। चार धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी यात्रा को करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी का चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार जल्द ही चार धाम यात्रा शुरू करने का रास्ता निकालेगी। उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में सरकार जल्दी यात्रा शुरू हो इसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक चार धाम यात्रा और केदारनाथ धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। उसका बंद होने का कारण है कोरोना के फैलते मामले। पर सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने ये आई है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल्द ही आश्वासन दिया है चार धाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा को शुरू करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के केदारनाथ में आने के लिए और भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट, पर्यटक और भक्तजन ऐसे बैठे हैं जो अभी तक भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं। वे इंतज़ार में है कि कब यात्रा शुरू हो और कब हमें बाबा के दर्शन करने को मिले। दोस्तों, उम्मीद है कि इस महीने सितंबर में 2021 से चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा शुरू कर दी जाएगी। सरकार के द्वारा ये अपडेट दे दिया गया है, जल्द ही यात्रा शुरू करेंगे। तो आप अगर मन बना रहे हो केदारनाथ आने का या फिर चारों धाम के दर्शन करने के लिए, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बाबा बुलाएंगे तो भक्तों को आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आइए आप भी अपने परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो केदारनाथ जी का मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ जी 11वें ज्योतिर्लिंगों में आते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और दोस्तों, अब हम आपको उत्तराखंड में केदारनाथ जी की यात्रा है अपनी वीडियो और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको केदारनाथ जी की यात्रा कराने जा रहे हैं। केदारनाथ जी यात्रा करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा और कहाँ से आप केदारनाथ जी जा सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून एयरपोर्ट आना पड़ेगा। वहाँ से वाया बस या फिर वाया टैक्सी के द्वारा आपको केदारनाथ जाना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, आप हमारे साथ यात्रा करिए केदारनाथ जी की। अब हम निकलते हैं हरिद्वार से केदारनाथ जी के लिए। तो मित्रों, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला के आपको दर्शन होंगे और ऋषिकेश का जो मनोहर दृश्य है वो देखकर आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। और दोस्तों, ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो दोनों नदियों के कलर है वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, और जो भागीरथी गंगा है वो गंगोत्री से आती है और जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ से आती है। दोनों के आपको संगम का मनोहारी दृश्य
देखने को मिलेगा। वहीं पर रघुनाथ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है जिसमें आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। वहां से आगे बढ़ते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में भी आपको मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से आती है और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आती है, दोनों का बहुत ही दिव्य संगम है। दिव्य संगम के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं गुप्त काशी के लिए। दोस्तों अब हम पहुंच जाते हैं गुप्त काशी में। गुप्त काशी में क्या है देखने लायक वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गुप्त काशी में बाबा काशी विश्वनाथ का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है जिसको आपको वहाँ के दर्शन मिलेंगे। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा करने आते हो तो गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के आप दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हुए आपको गुप्त काशी के बारे में बता देते हैं। गुप्त काशी को गुहा काशी भी कहते हैं। तीन प्रसिद्ध काशिया है। भागीरथी के किनारे उत्तर काशी है जो कि गंगोत्री क्षेत्र में पड़ती है। दूसरी गुप्त काशी है जो कि केदारनाथ क्षेत्र में पड़ती है। और तीसरी वाराणसी है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। गुप्त काशी में एक कुंड है जिसका नाम मणिकर्णा कुंड है। लोग इसी कुंड में स्नान करते हैं। इसमें दो जलधाराएं बराबर गिरती रहती है जो गंगा और यमुना से अभिहित है। कुंड के सामने काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इससे मिला हुआ अर्धनारीश्वर का मंदिर है। अब हम केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। गुप्त काशी से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में मित्रों हमें अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सोनप्रयाग वह स्थान है जहां से केदारनाथ जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और वहां से आपको लोकल जीप में बैठकर गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो यात्रा का जो पहला पड़ाव होता है वो सोनप्रयाग में होता है। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले या फिर 2 किलोमीटर पहले सीतापुर रामपुर नामक गांव पड़ते हैं जहां पर बहुत सारे होटल बने हुए हैं और वहां पर आश्रम भी है। आपको वहां पर अपनी यात्रा का पहला पड़ाव लेना पड़ेगा और वहां पर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना पड़ेगा और गौरीकुंड से आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक केदारनाथ का करना पड़ेगा। वहां से ट्रैक करने के लिए आप घोड़े से भी जा सकते हो, आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो और आप पालकी के द्वारा भी आप केदारनाथ जा सकते हो। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गौरीकुंड से निकलते हैं केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जाने के लिए हमें 18 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ जाना पड़ेगा और अगर आपको ट्रैक से नहीं जाना तो आप घोड़े के द्वारा भी केदारनाथ जा सकते हो। दोस्तों एक मैं आपको अहम जानकारी और देने जा रहा हूँ। अगर आप केदारनाथ आ रहे हो या फिर आप आ चुके हो तो जो यहाँ पर रुकने के जो टूरिस्ट पैलेस है वो सीतापुर और रामपुर है। सीतापुर रामपुर में ही आपको होटल मिलेंगे रहने के लिए, बाकी आगे कोई आपको ज़्यादा खास अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। सीतापुर में बहुत अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं। सीतापुर का जो सबसे बड़ा होटल है शिवालिक वैली रिजोर्ट है और अपना जेपी पैलेस है। और रामपुर के जो होटल्स हैं वो गिरिराज रिजोर्ट है जो कि बहुत ही अच्छा होटल बना हुआ है जिसमें कि आपको घर जैसा खाना मिलेगा और रिवर का बहुत अच्छी वहाँ से लोकेशंस मिलेगी। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो होटल्स के जो ओनर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और रिजनेबल रेट होता है और खाना घर जैसा मिलता है। दोस्तों अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं केदारनाथ धाम में। आप भी हमारे साथ बाबा के दर्शन करिए। कहते हैं कि केदारनाथ धाम में स्वर्ग से हवाएं आती है, तो मित्रों अगर आप भी केदारनाथ धाम आएंगे तो इन हवाओं को ज़रूर महसूस करिएगा। यहाँ पर प्रकृति निवास करती है, चारों तरफ आपको भगवान के होने का अनुभव महसूस होगा। कहते हैं कि भोलेनाथ के दर पर अगर आप सच्चे मन से आते हो तो आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। तो आप भी आइए अपने परिवार के साथ में केदारनाथ जी के दर्शन करिए। और मित्रों अब मैं आपको केदारनाथ जी की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ का इतिहास है, मंदिर कैसे बना, क्यों बना। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास में संपेक्ष यह है कि हिमालय के केदार सरंग पर भगवान विष्णु के
अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर पर्वत प्रकट हुए और उनके अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक सुरंग पर अवस्थित है। पंच केदारों की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रूण हत्या के पाप से मुक्ति होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन्हें उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शनों के लिए पांडव काशी गए, पर वे वहां उन्हें नहीं मिले और वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन में पक्के थे, वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ धाम पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों के ऊपर पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि के अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ पर पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। माना ऐसे जाता है कि जब केदारनाथ में भगवान शंकर बैल रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ। अब वहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। तो मित्रों, ये थी यात्रा केदारनाथ की। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मित्रों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और कमेंट में जय केदार जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा काम टैक्सी सर्विस का है, हरिद्वार और ऋषिकेश से। अगर आपको केदारनाथ धाम में आने के लिए टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है तो आप हमसे अपनी बुकिंग करा सकते हो। आप जो स्क्रीन के ऊपर इस टाइम हमारे जो नंबर चल रहे हैं, आप इनसे हमसे संपर्क कर सकते हो, आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। मित्रों, हमारी जो सर्विस होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सर्विस होती है। ड्राइवर्स हिल एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और आपको अच्छे से लोकल गाइडनेस देते हैं। और एक बार आप आइए उत्तराखंड घूमने और हमारी सर्विस को यूज़ करिए। हम आशा करेंगे कि आपको अच्छी सर्विस देंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप भी आइए और हमें भी अपनी सर्विस का एक मौका दीजिए। मित्रों, मैं संजय कुमार आपका उत्तराखंड केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते मित्रों।